यहाँ पर दो रिलेशन और कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव दैट और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव दैट म्यू आर प्लस वन इक्वल टू पी क्यू टाइम्स मोमेंट्स एम यू एंड आर म्यू आर प्लस वन प्लस टी बाई डी पी ऑफ म्यू आर। एंड कुछ और भी चीजें जोड़ दी, डिड्यूस द वैल्यूज ऑफ म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू फोर, हेंस फाइंड बीटा एंड गामा कोफिशिएंट फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई चीजें हम इसमें एक साथ बात कर रहे हैं, तो अच्छा सवाल माना जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है कैपिटल एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक्स है, तो वो आपको पता ही है, एन सी एक्स टू टू द पावर एन माइनस एक्स पी टू द पावर एक्स, और जहाँ एक्स की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू एन जाती है। मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिसको हम एक्स बार कहते हैं वो आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया, कितना होता है एनपी। तो मीन के अबाउट अगर आप निकालें तो म्यू आर आरथ मोमेंट जो होगा वो एक्स माइनस एक्स बार होता है का एक्सपेक्टेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास आरथ है तो पावर आर, तो एक्स माइनस एन पी की पावर आर। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन हो जाएगा कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये कितना होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एन पी टी पावर आर, और एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर एन तक। ये चीज हमने कई जो पढ़ ली है, अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी के भी अबाउट निकालेंगे कंटिन्यूस होगा तो इंटीग्रेशन कर देते, एक्स माइनस एन पी तो वही रहता, बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया था जो भी था उसको हम पी टी जो एफ से दिखा ज्यादा दिखाते। तो अभी कितना आ जाएगा, अभी एक्स 0 टू n है, एन सी एक्स टू टू द पावर एन माइनस एक्स पी टू द पावर एक्स, और एक्स माइनस एन पी टी पावर आर, ये आपके पास म्यू आर है। यार यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ। यस अच्छा अब हमें बेटा यहां जो प्रूफ करना है उसमें जो हम कर सकते हैं सबसे बढ़िया काम वो ये है, डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको। चलिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू पी पी डेट तो डी बाई डी पी
ऑफ म्यू आर। हम्म, अब जिस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है जरा सोचिए तो, एक बार दोबारा लिख देना चाहिए था मुझे यहाँ पर। म्यू आर इक्वल टू एन सी एक्स टू टू द पावर एन माइनस एक्स पी टू द पावर एक्स एक्स माइनस एन पी टी पावर आर, जहाँ एक्स 0 से लेकर एन तक जा रहा है। तो एक्स 0 से एन तक मुझे पी पे जो चीजें डिपेंडेंट हैं उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एन सी एक्स में तो नहीं है ना कहीं पी, तो ये तो ऐसे रहेगा। अब देखिए पी टी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, अरे भाई एक्स्ट्रा होगा तो क्या आएगा, एक्स पी टी पावर एक्स माइनस वन क्यू टी पावर एन माइनस एक्स और एक्स माइनस एन पी टी पावर आर। ये क्लियर है? यस सर। ठीक, आप देखिए प्लस पी टी पावर एक्स टू ऐसे रखो बच्चों। अब क्यू भी पी पे डिपेंड करेगा या नहीं, पी प्लस क्यू वन है, तो अगर पी वेरी करेगा तो क्यू भी वेरी करेगा या नहीं, पी यस वेरिएबल है सर। तो क्यू पी पे डिपेंड करता है। क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन माइनस एक्स क्यू टी पावर एन माइनस एक्स माइनस वन इंटू क्यू का डी क्यू बाई डी पी, ऐसा लिख सकता हूं। और उस समय तीसरी टर्म एक्स माइनस एन पी टी पावर आर ऐसी ही है भी, प्लस पी टी पावर एट से ऐसे ही क्यू टी पावर एन माइनस एट से ऐसे ही। तीसरी टर्म क्या है, एक्स माइनस एन पी, उसमें भी पी आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन में आर एक्स माइनस एन पी टी पावर आर माइनस वन और पी के रिस्पेक्ट में अंदर करोगे तो जीरो माइनस एन। मैं समझा पाया आप लोगों को डिफरेंशिएशन? पी पर डिपेंडेंट तीन टर्म है, तो पहले पी का कर लिया, फिर क्यू का कर लिया और लास्ट में एक्स माइनस एन पी टी पावर आर का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, यहां से जरा बताओ तो डी क्यू अपॉन डी पी कितना आएगा, यहां से क्यू सोचो वन माइनस पी है तो डी क्यू अपॉन डी पी कितना लिखेंगे यहां पर, अरे डी क्यू अपॉन डी पी कितना आएगा, वन का जीरो आएगा, यस माइनस माइनस वन आएगा नहीं। हाँ सर। मैं उसके लिए जगह, अब क्योंकि इतना लंबा एक्सप्रेशन है तो इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स जीरो से एन एन सी एक्स वैल्यू रख लेते हैं, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला है एक्स पी टी पावर एक्स माइनस वन क्यू टी पावर एन माइनस एक्स एक्स माइनस एन पी टी पावर आर, दूसरे में आप बीच में माइनस आ जाएगा और एन माइनस एक्स भी है पी टी पावर एक्स क्यू टी पावर एन माइनस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस एन पी टी पावर आर, तीसरे में भी माइनस एन होने की वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस एन आर पी टी पावर एक्स क्यू टी पावर एन माइनस एक्स और एक्स माइनस एन पी टी पावर आर माइनस वन, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी कैलकुलेशन वाला काम है वैसे तो, आप लोग अगर कुछ चीजें खुद भी सोचें
एट्स 0 से n, एन सी एट्स, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, पी टी पावर एट्स माइनस वन, क्यू टी पावर एन माइनस एट्स माइनस वन, और एट्स एट्स माइनस एन पी टी पावर आर माइनस वन, इतना कॉमन ले लीजिए। तो देखिए पहले टर्म में क्या आया, पी टी पावर एट्स माइनस वन, तो एट तो एट्स आ गया, क्यू टी पावर एन माइनस एट्स माइनस वन है तो एट क्यू आ जाएगा, और एट एट्स माइनस एन पी। सेकेंड टर्म में एन माइनस एट्स, एट पी बचेगा, और एट एट्स माइनस एन पी। थर्ड टर्म में एन आर, एट पी, एट क्यू, ये कॉमन आ रहा है आपके पास। इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो सकती हैं चीजें। जीरो टू एन, एन सी एक्स, एन आर अगर मैं अलग ही कर लेता तो ठीक था ना। प्रूफ में एन आर अलग है, ये वाला है। अब यहां पर देखिए प्लीज, जो प्रूफ है उसमें एन आर अलग से आ रहा है, तो मैं एन आर वाली टर्म को अलग कर देता हूं। एन सी एच शुरू की दो टर्म एट्स हैं, पी टी पावर एट्स माइनस वन, क्यू टी पावर एन माइनस एट्स माइनस वन, एट्स माइनस एन पी टी पावर आर माइनस वन। शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एट्स माइनस एन पी, तो बाकी क्या बचा, एक्स क्यू। अच्छा शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो सर एक्स माइनस एन एक्स माइनस एन पी की पावर बाहर से आर कर लो, छोड़ो, तो एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस एन माइनस एक्स पी, ठीक है, माइनस समेशन ही अलग कर दो, इट्स इक्वल टू 0 to n एन सी एट्स, पी टी पावर एट्स माइनस वन, क्यू टी पावर एन माइनस एट्स माइनस वन, एट्स माइनस एन पी टी पावर आर माइनस वन, और एन आर पी टी, पी टी अंदर ही रखी है, एन आर को समेशन से बाहर ले आई। तो ये पी टू से पी टू की एट एट पावर और बढ़ जाएगी, हो गया मेरे ख्याल से सॉल्व। ये कुछ सॉल्व होगा, कितना आएगा, ये एन क्यू माइनस एन पी प्लस एक्स पी, ये भी एक्स क्यू है ना, अरे भाई एक्स क्यू है, और लास्ट टर्म क्या है, प्लस में एक्स पी, एक्स कॉमन ले लो, पी प्लस क्यू वन आ जाएगा, तो एक्स माइनस एन पी बचेगा, तो एक्स माइनस एन पी बचेगा नहीं, ये ब्रैकेट, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यस एक्स माइनस एन पी की कितनी पावर हो जाएंगी, आर प्लस वन, यस सर यस सर तो पी और क्यू की एट एट पावर कम हो रही है।
हीटेड पावर बढ़ाते हैं, तो वन अपॉन पी क्यू कर देते हैं। तो देखिए एन सी एट्स पी क्यू पावर 8 से हो जाएगा फिर, क्योंकि 8 भी बाहर ले लिया है। ऐसे ही क्यू क्यू पावर भी एन माइनस एट्स और एट्स माइनस एन पी की पावर हो गई आर प्लस वन, 8 से 0 से लेकर एन तक, ये पहला वाला हो गया माइनस एन आर। ये चित्ता हो गया 8 से 0 से एन, एन सी एट्स पी जी 8 पावर बढ़ गई, पी जी पावर 8, क्यू जी पावर भी एन माइनस 8 और 8 माइनस एन पी जी पावर आर माइनस वन। ठीक, तो वन अपॉन पी क्यू, आप ये बताइए ये वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एन पी की पावर आर प्लस वन है या नहीं, और ये वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एन पी की पावर आर माइनस वन। भाई एक्सपेक्टेशन आपने फॉर्मूला जो रखा था वो देखो उस हिसाब से। तो वन अपॉन पी क्यू ये हो गया म्यू आर प्लस वन माइनस एन आर म्यू आर माइनस वन, प्रूफ यही करना था जरा देखिए। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां म्यू आर माइनस वन होना चाहिए था ब्रैकेट में, बुक में गलत था। यहां पर ये मैं रेड पेन से कर देता हूँ, रेड इंक से। यहां पर आर माइनस वन लिख लीजिए प्लीज, पर माइनस था तो बहुत हो गया, वो सीधे आ गया आपका। तो देखिए प्लीज ध्यान से देखिए हमें क्या क्या करना था। आपने म्यू आर की डेफिनेशन लिखी, इक्वेशन वन ड्रॉ करिए ना बस, जी बाकी तो सब सेम है, पी जी पावर एट्स क्यू जी पावर एन माइनस एट्स। अगर एट्स माइनस एन पी जी पावर आर आ रहा है तो बस ये चीज आपको बता रही है कि ये कौन सा मोमेंट है बस। और अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर आप यहाँ पर ड्रॉ करिए कि ये कौन सा मोमेंट हो रही है और ये कौन सा मोमेंट हो रही है, बाकी तो सेम है। तो एक म्यू आर प्लस वन बन गया, एक म्यू आर माइनस वन बन गया, हो गया प्रूफ। बच्चों मैं समझा पाया आप लोगों को सारी चीजें? यस सर। चलिए मैं अगले पेज में जाता हूँ फिर। अब तो हमारे पास फाइनली जो आ गया, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ले दे रहा हूँ, म्यू आर प्लस वन इक्वल टू पी टू टाइम्स, अच्छा सवाल माना जाता है, एन आर म्यू आर माइनस वन डी म्यू आर अपॉन डी पी। हमने ये प्रूव किया है, इक्वेशन नंबर जो भी है कैपिटल ए मान लो। चलो अब सम डिडक्शंस हैं इस आधार पर। पहला म्यू टू बताइए कितना होगा, म्यू टू पी क्यू। सर 2n आर की म्यू जो वन जीरो रखा होगा ना म्यू टू के लिए, आर वन होगा तो एन जी म्यू नॉट अच्छा डी म्यू वन अपॉन डी टू। म्यू नॉट हमने पढ़ा था वन था हर जगह पर, और म्यू वन 0 था बेटा, अगर एम जी एफ पढ़ते समय याद हो यस सर तो पी क्यू, चूंकि अब हम बाइनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं तो एन म्यू नॉट वन है, ये 0 हो जाएगा, तो म्यू टू एन पी क्यू आएगा, वो हम पहले से जानते हैं कि यही होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। म्यू थ्री
म्यू थ्री के लिए आर की जगह टू रखेंगे तो पी क्यू टू एन, आर की जगह टू रखेंगे तो म्यू वन प्लस डी बाई डी पी ऑफ आर की जगह टू रख रहा है म्यू टू, म्यू वन जीरो है डी बाई डी पी म्यू टू, म्यू टू क्या हुआ म्यू, सर म्यू टू एन पी टू तो एन तो बाहर आ जाएगा तो एन पी क्यू डी बाई डी पी ऑफ पी क्यू, पी तो ठीक है क्यू की जो ऊपर वन माइनस पी, ऐसा लिख दें यस सर, इसको, बताओ सॉल्व करके बेटा कितना लिखें। एन पी क्यू डी बाई डी पी ऑफ पी माइनस पी स्क्वायर, आप कर लो भाई एन पी क्यू वन माइनस टू पी, ऐसे ही म्यू थ्री आ गया है तो म्यू फोर भी निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोड कर लीजिएगा, म्यू फोर में बुक से उठा के कर दे रहा हूँ, एन पी क्यू टाइम्स वन प्लस थ्री पी क्यू टाइम्स एन माइनस टू, ये देखिएगा। अब बच्चों बीटा वन याद है, एक दिन मैंने बोला था म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, ऐसा था शायद एमजीएफ पढ़ाते समय ही बोला था मैंने, तो अब इनकी वैल्यूज ही तो यस रखनी है। बीटा वन आपके पास ये है और बीटा टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, और गामा टू है बीटा टू माइनस थ्री। ये आपको जब मैंने टोटोसिस और स्क्यूनेस पढ़ाए थे जिस दिन उस पे चर्चा हुई थी अगर आपको याद हो यस सर। तो वहां ये सारी चीजें आई होंगी, तो इस तरह से आपने ये करना है। तो एक अच्छा सवाल था वो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ गया तो उसमें रिकरेंस रिलेशन मोमेंट्स में कैसे लाएं। बच्चों बाइनोमियल के बारे में मैं पर्याप्त चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ, पर्याप्त तो बताया है, ऐसा नहीं कहा है कि हर चीज बता दी, लेकिन अब अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चाहें ना कहीं से भी तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ जाएगा, और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाइनोमियल पे आप पढ़िए जरूर चीजें। बाइनोमियल पहले 12वीं क्लास में हुआ करता था बच्चों, 12th को मैंने बहुत साल पढ़ा रखा बाइनोमियल नॉर्मल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज आप लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं और एमएससी में पढ़ रहे हैं, ये मैंने बहुत साल तक 12वीं के बच्चों को पढ़ाया है, और ये अच्छा था उस समय सीबीएसई का, जो 12वीं में इतनी चीजें पढ़ लेते थे डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें मालूम होते थे 12th में, तो जब हम बीएससी में स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते थे या एमएससी के बच्चों को तो हम नई चीजें पे एक्सप्लोर करते थे। आज हालत यह है कि हम एमएससी में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे हैं और लोगों को लगता है बहुत खतरनाक चीज हो रही है शायद कोई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हुए कई बार आपको ये इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है इससे बाइनोमियल के बारे में अब आप पढ़ सकते हो ये तो ठीक है, लेकिन मैंने हर चीज पढ़ा दी ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो आज आपके पास पर्याप्त समय है, बैठिए आराम से और बायनोमियल पे जितना काम करना चाहे अच्छा ही रहेगा, आप ही के लिए फायदेमंद है।